हेलो गाइस, आज मैं बना रही हूँ पनीर और शिमला मिर्च की एक सिंपल सी रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं सब्जी। शिमला मिर्च मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, एक बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ, ये एक चम्मच तेल है, जीरा पाउडर जो हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, और बाकी के जो मसाले हैं हल्दी, धनिया और मिर्च और नमक, बस इन्हीं मसालों का हमें प्रयोग करना है। और ये पनीर कटा हुआ छोटे छोटे स्लाइस में मैंने काट लिया है। तो चलिए, अब यहाँ पर गैस ऑन कर ली है, एक चम्मच तेल हम डालेंगे क्योंकि हमें पनीर फ्राई करना है। पहले तेल गरम हो चुका है तो अब हम इसमें पनीर को डाल देंगे और हल्के जो ब्राउन होते हैं तब तक हम इसे पकाएंगे। अच्छे से ब्राउन होने देना है हमें पनीर को। पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, और जिन लोगों को शिमला मिर्च पसंद नहीं है खाने में, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शिमला मिर्च पसंद नहीं होती है, तो अगर वो इस तरीके से शिमला मिर्च को बनाएंगे तो ज़रूर उन्हें पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ पनीर की फ्राई होने का, अच्छे से ब्राउन हो जाए, उसके बाद ही मैं उसे निकालूंगी। पनीर मेरा हल्का सा ब्राउन हो चुका है यहाँ पर। इस सब्जी में मैंने मसालों का बहुत कम प्रयोग किया हुआ है, तो अब हम पनीर को निकाल लेंगे। पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है, अब मैंने निकाल लिया है। तो अब मैं इसमें 1.5 चम्मच के करीब तेल डालूंगी। यहाँ पर मैं सरसों का तेल ही यूज कर रही हूँ। तो तेल गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें जीरा डालूंगी 1/2 चम्मच। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया है तेल पर, तो इसको अच्छे से हम ब्राउन होने तक वेट करेंगे इसका, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तो हमें चलाते रहना है। तो प्याज यहाँ पर ब्राउन हो चुका है, थोड़ी देर और हम इसे चलाएंगे।
अब प्याज का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है, तो अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। और शिमला मिर्च को हमें केवल 1 मिनट तक ही पकाना है, ज़्यादा देर तक हमें यहाँ पर शिमला मिर्च नहीं पकानी है। तो पहले से हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो हम इसको अब ढककर रख देते हैं ताकि ये पक जाए हल्का सा। 1 मिनट तक पकाएंगे हम इसको केवल। चलिए देखते हैं, शिमला मिर्च यहाँ पर हल्की पक चुकी है। अच्छे से मिला लेते हैं इसको। फिर इसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। शिमला मिर्च के बाद ही हमें टमाटर का डालना है, और अच्छे से मिला लेंगे इसे हम। अच्छे से मिलाने के बाद हम अब इसमें जो बाकी हमारे मसाले हैं जो अभी तक हमने ऐड नहीं किए थे, अब हम वो मसाले डालेंगे। अभी तक हमने इसमें नमक का यूज भी नहीं किया था, तो वो भी हम अब डालेंगे इसमें। तो पहले इस सब्जियों को हल्का सा पकाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा पाउडर, जो आधा छोटा चम्मच है। और बाकी के जो मसाले हैं, धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच है, हल्दी आधी छोटी चम्मच, और मिर्च आधी छोटी चम्मच, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम डालेंगे। यहाँ पर मैंने मसालों का बहुत ही कम प्रयोग किया है। अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसे। तो चलिए थोड़ी देर हम इसे पकने के लिए रख देते हैं, कम से कम 1 मिनट तक हम इसे और पकाते हैं। तो देखते हैं कि अच्छे से मिल गया है। तो अब हम इसे अच्छे से मिलाते हैं, और इसके ऊपर से अब हम इस पर पनीर डाल देंगे। सबको एक साथ मिला लेंगे अच्छे से। सबको अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक फिर पकाएंगे, ताकि पनीर भी अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ी देर हम इसे पकने के लिए रख देंगे। तो चलिए देखते हैं, सब्जी हमारी पक चुकी है। 2 से 3 मिनट का टाइम हो चुका है, तो ये सब्जी अब बन के रेडी है। आप भी इसे ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी सब्जी है, और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, और बनाने में भी बहुत ही आसान है।